लेकिन कैसे चलना है आप लोग जानते हैं, कितने लोग वृंदावन चलना चाहते हैं जरा बताइएगा, हाथ ऊपर करिएगा। अच्छा इतने लोग, लेकिन भैया जो आप लोग खड़े हैं ना अभी बैठ जाए, बस एक गीत के बाद में आरती प्रसाद होगा, बस 5 मिनट का समय और दीजिएगा, आप लोग यथास्थान पर बैठ जाएंगे। जितने लोग चलना चाहे वृंदावन सभी लोग हाथ ऊपर कर ले, ताले बजाते हैं भाव से चलेंगे। मैं तो वृंदावन को जाओ मेरे पैर ना माने मेरे बजवा, चलो नंद बाबा गाय बकरी लेकर के समस्त सामग्री लेकर के सभी गोकुलवासी श्री धाम वृंदावन पधारते हैं, रात्रि निवास करते हैं, वहां मकान तो था नहीं, जंगल में निवास करते हैं रात्रि। और आगे की कथा हम आप कल श्रवण करेंगे, आज हमारे वासी बिहारी लाल वृंदावन बिहारी लाल वृंदावन में निवास करते हैं, रात्रि विश्राम करने दीजिए, आगे की कथा हम आप कल श्रवण करते हैं। और कल बंधुओं गोवर्धन की लीला होगी, जो गोवर्धन महाराज की, गोवर्धन महाराज पधारेंगे, झांकी के माध्यम से हम आप दर्शन करेंगे और उनका पूजन होगा और 56 प्रकार का व्यंजन का भोग लगाया जाएगा। ये सब झांकी के माध्यम से दर्शन करेंगे और जो भी यहाँ भक्त बैठे हुए हैं, माताएं बहने बैठी हुई हैं, जो भी गोवर्धन महाराज को भोग लगवाना चाहेंगे आप लोग भी प्रसाद ला सकते और गोवर्धन महाराज को अपने हाथ से खिला करके और पुण्य के भागी बनेंगे। क्योंकि जो गोवर्धन महाराज का भोग लगाता है, भगवान गोवर्धन नाथ कभी भी उसके घर में कभी खाने पीने की कमी नहीं होने देते, हमेशा भंडार भरा रहता है, ऐसा भागवत में आया हुआ है बंधु। तो कल यहाँ पर झांकी का दर्शन होगा और हमारे बाकी बिहारी लाल अभी वृंदावन की लीला बाकी है और परसों भगवान का विवाह उत्सव और सुदामा मिलन होगा और परसों इस कथा को विश्राम दिया जाएगा। अधिक से अधिक संख्या में आएंगे, टाइम से आकर के भगवान की कथा श्रवण करें। आइए दोबारा भगवान कर ले, इसके बाद में आरती और प्रसाद। और हमारे यजमान जी के यहाँ जितने भी परिवार हैं और जो भी भाई बंधु हैं, माताएं बहने बैठी हैं, आप लोग आरती के तैयार हो जाइएगा, आरती जलाई डाले तब तक दो बार भगवान का नाम उच्चारण मेरो गुलाब के फूल की सुरी मेरो
पूरे श्री भागवत महापुराण की जय। जय श्री राम। आइए हम सभी भागवत भगवान की बांकी बिहारी राज की आरती गाते हैं, आरती उतारते हैं प्रेम से। ये की बिहारी की।